फ्रेंड्स, आज मैं आपको साबूदाना वड़ा बनाना सिखा रही हूँ। इसे दही और हरी चटनी के साथ खाया जाता है। जो मैं चटनी बनाना भी आपको सिखाऊंगी, पहले मैं आपको चटनी के लिए लगने वाला सामान बताती हूँ। ये दही है 2 चम्मच, गाढ़ा धनिया है ये भी 2 चम्मच है, 3-4 हरी मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 2 चम्मच भुने मूंगफली का आटा है, नमक, जीरा और चीनी। तो पहले ये सब मिला के, ये सब मिक्सर में निकाल के हम चटनी बनाएंगे। नमक का आप अंदाज देख के नमक ले सकते हो। ये सब पहले चटनी बनेगी। हरी चटनी बनके तैयार हो गई है। साबूदाना वड़ा के लिए मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं। ये 2 चम्मच पहले से अच्छी तरह से भीगा हुआ साबूदाना लिया है मैंने। इसके बाद ये मूंगफली का आटा है, भुनी हुई मूंगफली का, हरी धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, नमक और चीनी। हम जो है इसमें लाल मिर्च नहीं डालते, इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे आलू को। लगभग 2 बड़े चम्मच ये मैंने हरी धनिया डाली है, हरी मिर्च, नमक, चीनी और जीरा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मैश करिए। काफी देर तक इसको मैश करती रहिए तो आपके साबूदाने वड़े बहुत बहुत हल्के बनेंगे। इसलिए इसको जितना मिक्स करती बने तो कम से कम 10 मिनट तक मिक्स करती रहिए। अब हम इसके आपकी मर्जी से आप जितने चाहे गोले बनाने चाहे वैसे, जितने बड़े बनाना चाहे बनाइए। तेल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, जितना अच्छा तेल गर्म होगा। वड़ा उतना ही अच्छा बनेगा।
सुनहरा होने तक कुक करिए और इसमें आँच मत कम करिए। आँच कम करने से इसका साबूदाना फूटता है तो वो देखिए फूलने भी लगे, ये देखिए फूलने लगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से मैश 10 मिनट तक करेंगे तो बहुत अच्छी फूलेगी। सीमा कर सकती है, ये देखिए तेल भी कम इन्होंने पिया है इसलिए इसमें हमको आंच बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।